अभी हम लोग ऋषिकेश में आ चुके हैं नीलकंठ दर्शन करने के बाद, और ये है राम झूला सामने दिख रहा है। ये सभी साथी देखो सेल्फी पॉइंट पे खड़े हुए हैं। जय गंगे भैया। जय, देख सकते हो भैया ये है राम झूला, और अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में, वहाँ पे है परमार्थ निकेतन, राम झूला है ये। अभी आजकल यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, लेकिन अभी शाम को आरती का समय हो रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ दिख रही है। रामझूला से होते हुए हम लोग आ चुके हैं, ये है गीता भवन, और ये परमार्थ निकेतन की लाइन में ही है, इसके पास में ही है गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान। यहाँ पर आपको सनातन धर्म की सभी पुस्तकें और ग्रंथ मिल जाते हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ी दुकान है ये। तो गीता भवन से थोड़ा आगे चलने पर हम लोग आ चुके हैं परमार्थ निकेतन पे। यहाँ पे शाम के समय बहुत ही सुंदर गंगा आरती होती है, और ये शिव जी आपको दिख रहे हैं। ये कुछ दिन पहले जब यहाँ बाढ़ आई थी गंगा जी में, तो समय आधे डूब चुके थे ये। इसमें घाट घाट पे गंगा जी तो आपको देखने को मिलेगी, और सभी घाटों पर बहुत ही सुंदर आरती होती है। उधर सूरज ढलने को है, ये है जानकी झूला, और ये गंगा मैया कितनी तेज बहाव में बह रही हैं, स्पीड देखो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जानकी झूला पे, और इसके अलावा दो और झूला हैं ऋषिकेश में, राम झूला और लक्ष्मण झूला, आप लोगों को पता ही है। अभी लक्ष्मण झूला बंद कर रखा है, क्योंकि उस पर कांच का पुल बनाया जा रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं रामानंद आश्रम पे, आज हम लोग ऋषिकेश में रुकेंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना संतों का संग किया जाए आज। तो अभी मंदिर में हैं हम लोग, देख सकते हैं कितना सुंदर सजा रखा है मंदिर को। संतों का संग बड़े भाग से नसीब होता है, इस वजह से हम लोग आज आश्रम में रुके हैं, और आज ठाकुर जी का बहुत ही भव्य और सुंदर श्रृंगार किया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं ऋषिकेश से हरिद्वार, और हरिद्वार में हम लोग पहुंच रहे हैं हर की पौड़ी पे,
और हल्की पौड़ी पर पहुंचने के बाद सभी लोग गंगा जी में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद आज दिन भर हम लोग दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। देखो भैया, गंगा जी का स्वरूप इस समय कैसा है। जय गंगे मैया। ब्रह्मकुंड की साइड में हम लोग जा रहे हैं और हमारे जो साथी गण हैं वो जा रहे हैं कुछ इधर और ये सब। जय गंगे मैया, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हे भागीरथी हे गंगे। मुझे लग रहा है कि आम दिनों की अपेक्षा भीड़ बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। तो अभी पुल पार करके हम लोग आ चुके हैं इस वाली साइड में और ये है गंगा द्वार हर की पौड़ी और इसमें से आप लोग जा सकते हैं जिधर गंगा आरती होती है उस साइड में। ये है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी का, हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक हरिद्वार, जहां कल कल करती बहती माँ गंगा। और ये उन चार प्रमुख स्थानों में से एक है जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। तो अभी हम लोगों ने स्नान कर लिया है और इसके बाद कुछ भाई जो हैं वो गंगा जल घर पे ले जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे गंगा जल पैक करवा रहे हैं, मतलब एक लोटा खरीद के उसमें गंगा जल भर के और इसमें छांदा लगवा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही शानदार टेक्निक है, इससे ये कभी खुलेगा नहीं और आपका गंगा जल जो है वो सुरक्षित रहेगा। कितने अच्छे तरीके से ये पैक करते हैं, यानी छांदा लगा रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे मनसा देवी की चढ़ाई और हम लोगों ने मनसा देवी के दर्शन किए, वो अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया।